जय हिंद दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में यहां पर एग्जाम ने क्वेश्चन दिया है इफ़ एट्टी परसेंट ऑफ ए इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ पी यानी कि ए का अगर मैं एट्टी परसेंट निकालू एट्टी बाई में हंड्रेड करूंगा तो जो बराबर होगा वो बी के कितने फिफ्टी परसेंट के बराबर होगा यानी कि इस जीरो तो से ये दो जीरो से जीरो जीरो हो जाएगी इससे ये जाएगा और ए और बी का आपका रेशियो आ जाएगा यानी कि ये कितना जाएगा ये आपका फाइव हो जाएगा और ये आपका एट हो जाएगा यानी कि ए की वैल्यू यहां पर दी है उसने मेरे को फाइव और बी की वैल्यू दी है मुझे उसने एट अब एग्जामिनर ने पूछा है कि बी एक्स परसेंट ऑफ ए यानी उसने कहा है बी की जो वैल्यू है वो एक्स परसेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना यानी कि एक्स बाय हंड्रेड तो उसने मुझसे पूछा हुआ है, है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी तो यहाँ से उठा के आप वैल्यू रख दीजिए ये मेरे पास एट है ये मेरे पास फाइव है बाय में हंड्रेड हो जाएगा इन टू में ए हो जाएगा ये पाँच दूनी दस हो जाएगा आपका इधर जाएंगे तो आपका सिक्सटीन वन सिक्सटी इजल टू में ए यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आएगा जय हिंद जय जै भारत